अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको पहले लाइन प्रैक्टिस, सर्कल्स या फिर कुछ एक्सरसाइजेस हैं उसकी डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस वीडियो में प्राउडली मैं शेयर करना चाहता हूँ दिव्या की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ये कुछ आर्टवर्क्स आप देख सकते हैं जो दिव्या ने ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग में जुड़ने से पहले बनाए थे। तो इसमें बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बेस लेवल पे हम करते हैं एज एन आर्टिस्ट। अब आप वो सारे वर्क्स देखो जो दिव्या ने कुछ ही महीनों के अंदर डेवलप किया है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि आर्ट फील्ड में जाने के लिए हमें टैलेंट चाहिए, बट ये फील्ड प्योरली स्किल बेस्ड है। आर्ट एक स्किल है, पेंटिंग ड्राइंग ये एक स्किल है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे प्ले करता है वो ये कि अगर आपको आर्ट की फील्ड में जाना है तो सबसे ज़्यादा आपको ड्राइंग स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ती है, प्लस उस फील्ड में प्रिंसिपल्स और फाउंडेशन आपके कितने स्ट्रांग हैं वो डिसाइड करता है कि आप इस फील्ड में कितना ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। और यही चीज़ दिव्या ने कुछ ही महीनों के अंदर इस ट्रेनिंग में समझ के अपनी डेवलप की, और आज वो जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो बहुत ही आसानी से कर पा रही हैं, भले वो फ्री हैंड स्टडीज़ हो, वो कमीशन वर्क्स भी लेती हैं और बहुत ही तेज़ी से अपने इस फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। और ये चीज़ उन्होंने हमारे साथ शेयर की और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है ये चीज़ें आप सबके साथ शेयर करते हुए। सो मैं आप सभी को जो भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैशनेट है वेलकम करता हूँ ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग के अंदर।